हेलो एवरीवन दिस इज़ अंजनी कुमार कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे रोलर uh, स्केटिंग और उसके डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स हैं जितने भी ब्रांचेस हैं डिफरेंट उसके बारे में और लोग पूछते हैं कि क्या स्कोप है क्या ये गेम गवर्नमेंट रिकोगनाइज है कि नहीं है बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं सभी कोचेज से पूछे जाते हैं uh, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा हमारा जो रोलर स्केटिंग है वो प्रॉपरली रिकोगनाइज गेम है गवर्नमेंट से यूनियन मिनिस्ट्री से रिकोगनाइज है इवन अगर आप ये चेक करना चाहें तो uh, जो हमारी नेशनल बॉडी है जो रोलर स्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करती है पूरे इंडिया की उसको रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और उसको इंडिया स्केट भी कह सकते हैं आप गूगल पे जाएंगे अगर आप इंडिया uh, स्केट या रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डालेंगे उसकी वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू स्केटिंग और उस पर इवन ये भी डिटेल्स पड़ी हुई है कि uh, कैसे और कब ये रिकॉग्नाइज हुआ यूनियन मिनिस्ट्री से काफ़ी सारी डिटेल्स हैं आप चेक कर सकते हैं मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं स्पीड स्केटिंग रोलर स्केटिंग है नहीं रोलर स्केटिंग मेन है मतलब उसके अंडर में कई सारे गेम्स आते हैं स्केटिंग से जुड़े हुए हैं जैसे स्पीड स्केटिंग मेन गेम है रोलर स्केटिंग का इनलाइन स्पीड स्केटिंग और उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट गेम है जैसे स्केटबोर्डिंग हो गया अल्पाइन हो गया डाउनल स्केटिंग हो गई या आपका फ्री स्टाइल स्केटिंग हो गई रोलर हॉकी हो गया इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं और ये सब गेम्स हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आ, क्या ये अभी ओलंपिक्स में है कि नहीं है या कहां कहां पर होता है क्या इसके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं कि नहीं होते बहुत सारे जो न्यू पेरेंट्स गेम से ऐड होते हैं गेम में ऐड होते हैं वो इस चीज़ के बारे में पूछते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रॉपरली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है और इसके डिफरेंट डिफरेंट इवेंट होते हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट हो स्टेट हो नेशनल हो सारे ही होते हैं इंटरनेशनल लेवल तक और ये मेन ओलंपिक्स में तो अभी स्पीड स्केटिंग नहीं है बट स्केटबोर्डिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इनलाइन स्पीड स्केटिंग ऑलरेडी उस कतार में है ऐड होने के लाइक बहुत जल्दी वो ऐड होगा अपकमिंग कमिंग ईयर्स में और बाकी अदर गेम्स भी सेम उसी कंडीशन में हैं और अगर आप बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चैम्पियनशिप्स होती हैं कि नहीं होती है तो बिल्कुल होती है हर एक स्टेट में बॉडी बनी हुई है मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में एसोसिएशन uh, हैं जो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं uh, मैं कहना चाहूँगा मैंने बहुत सारे स्केटर्स को देखा है जो रोड पे स्केटिंग कर रहे हैं या स्केट पार्क्स वगैरह में ट्रेनिंग कर रहे हैं या लाइक like, uh, बिना किसी एम के स्केटिंग कर रहे हैं uh, उनको ये नहीं पता होता है कि एक प्रॉपरली इंडिया में स्केटिंग की बॉडी है जिससे जुड़ के वो एक uh, अच्छे लेवल को अचीव कर सकते हैं और uh, प्रॉपरली खेल सकते हैं इंडिया के लिए uh, एक uh, प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को अगर उनके अंदर अच्छा टैलेंट है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रॉपरली मैं अभी आपको कुछ चैम्पियनशिप्स के नाम बताऊंगा जो इंटरनेशनल लेवल के हैं जिसमें हमारा स्केटिंग एडेड है लाइक प्रॉपरली होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा वर्ल्ड गेम्स है उसमें भी इंक्लूडेड है स्पीड स्केटिंग और एशियन गेम्स है एशियन गेम्स में भी इंक्लूडेड है ये और वर्ल्ड स्केट जो हमारी वर्ल्ड बॉडी है स्केटिंग की वो एशियन चैम्पियनशिप भी कराती है वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी कराती है सारे स्पोर्ट्स की चाहे स्केटबोर्डिंग हो चाहे स्पीड स्केटिंग हो आ, सारे गेम्स के डिफरेंट डिफरेंट और वर्ल्ड रोलर गेम्स भी होते हैं जो काफ़ी बड़ा इवेंट होता है स्केटिंग का जिसमें पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे एथलीट्स आते हैं उसमें और ये एक ओपन टूर्नामेंट्स है ओपन टूर्नामेंट है जो हर साल होता है फ्लैंडर्स ग्रैंड प्रेक्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे खेलते हैं सीनियर कैटेगरी तक और ये ओपन टूर्नामेंट होता है इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करा के डायरेक्टली खेलने जा सकता है और एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसके बारे में बताना चाहूँगा मोस्टली लोग को नहीं पता है जो बी बहुत बड़ी ब्रांड है हर कोई जानता है बी को बी एम एक वर्ल्ड लेवल की मैराथन कराती है स्पीड स्केटिंग की ही बर्लिन में जिसको कहते हैं बी एम डब्ल्यू बर्लिन मैराथन वो एवरी ईयर होती है और उसमें बहुत लाइक हज़ारों की तादाद में लोग स्केट्स पे आते हैं और रेसेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं फन इवेंट्स भी होते हैं और बहुत बड़ा इवेंट होता है कैश uh, प्राइज़ और काफ़ी चीज़ें होती है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड लेवल की टीम्स उसमें पार्टिसिपेट करती हैं प्लेयर्स आते हैं बहुत अच्छा इवेंट होता है और हमारे नेशनल गेम्स में जो हमारे कंट्री के उसमें भी इंक्लूडेड uh, था स्पीड स्केटिंग अभी लास्ट टाइम भी था इस ईयर नहीं था कुछ प्रॉब्लम की वजह से बट uh, सून होगा उसमें एडेड और ओपन इंटरनेशनल मैराथनस होती हैं अभी एक सेप्टेंबर में होने वाली है बहुत सारी है शांघाई वगैरह में बहुत सारे ऐसे ओपन लॉन्ग इवेंट्स होते हैं मैराथनस के जिसमें स्पीड स्केटर्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसकी यूरोपियन चैम्पियनशिप भी होती है और पैन अमेरिकन गेम्स में भी एडड है और ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंट टूर्नामेंट्स हैं जिनके नाम नहीं लिए मैंने ऐसे बहुत बहुत सारे टूर्नामेंट हैं पॉसिबल नहीं है सबके बारे में बताना और बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज़ पूछते हैं मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो स्कोप के बारे में पूछते हैं लाइक इंडिया में एक मैंटेलिटी है कि आप स्पोर्ट्स को देखते हैं तो स्पोर्ट्स को एक जॉब के पर्पज़ से देखते हैं लाइक हर कोई इसलिए नहीं एम करता है कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है या अपने पेरेंट्स का नाम करना चाहता है या अपने स्टेट का या अपने फैमिली का नाम करना चाहता है मोस्टली uh, लोग उसको एक बेनिफिट की तरह देखते हैं कि उनको अगर कुछ अचीवमेंट मिल गई तो uh, वो गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे नहीं पा जाएंगे उनको uh, वेटेज मिलेगा नहीं मिलेगा सी स्पोर्ट्स एक होता है कि आप लालच के तरीके से कर रहे हो और एक होता है कि आप एक पैशन के साथ में कर रहे हो कुछ बड़ा एम कर रहे हो कि आप कुछ नाम करना चाहते हो तो आ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं स्कोप है कि नहीं है स्केटिंग में बिल्कुल स्कोप है अगर आप करना चाहो लगन से गेम बहुत ग्रो कर रहा है तेज़ी से बहुत तेज़ी से कर रहा है लाइक आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो स्केटिंग वीक था काफ़ी इंडिया में बट अभी में कंडीशन और अच्छी हो रही हैं अगर मेहनत करें इंसान तो क्यों नहीं जा सकता है? बिल्कुल कर सकता है अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कितने सारे बच्चों को ऑनर मिला और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आ, बट ये है कि मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि आ, सर इसमें स्कोप है उनका मेन पर्पस ये होता है ये पूछना होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब में वेटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा आ, तो मैं आपको देखिए क्लियरली बताना चाहूँगा कि जो हमारे इंडिया के कुछ पुराने गेम्स हैं जैसे कि आ, आपका क्रिकेट हो गया या जितने भी पुराने गेम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रश है लाइक बहुत ज़्यादा पुराने गेम्स हैं और कोटा गेम्स हैं लाइक बास्केटबॉल है क्रिकेट है फुटबॉल है ये सब है तो देखिए जब उनको एक लिमिटेड वेटेज मिलता है तो स्केटिंग अभी उससे काफ़ी पीछे है ओके okay? अगर आप देखा जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टाइप्स या ग्रेट सी गेम है बहुत अपर पोस्ट नहीं मिलती हैं बट ये कि कई सारे गवर्नमेंट पोस्ट आती है जिनमें स्केटिंग भी इंक्लूडेड है जॉब्स मिलती हैं उस पर चाहे वो पोस्टल डिपार्टमेंट की हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो कई सारी वैकेंसीज़ में स्केटिंग को इंक्लूड किया गया है और बट अगर आप ये चाहें कि बहुत हाई वेटेज है तो ऐसा नहीं है ऐसा तो किसी भी गेम के साथ में नहीं है जो क्लियरली है देखिए झूठ बोलने की कोई बात नहीं है जो क्लियर चीज़ है वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बट ये है कि बहुत अच्छा गेम है अगर आप करना चाहें मेहनत तो और लगन से बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं और अभी तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया में अगर आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं आगे जाएंगे बिल्कुल और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो लोग पूछते हैं स्कोप है कि नहीं देखिए किसी फील्ड में स्कोप बनाने से बनता है बना बनाया नहीं मिलता है अगर क्या पता आप ही वो फर्स्ट पर्सन हो जो उस फील्ड को सबसे आगे लेके जाए तो पूरी मेहनत करिए और लगे रहिए सो थैंक यू एवरी वन ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू